हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बीआईटी सिंदरी झारखंड कैंपस के बारे में। अगर बात करूं, कहना गलत नहीं होगा, अगर कुछ झारखंड में कुछ खजाना बचा है तो उसमें से खजाना एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कॉलेज कोई है तो आपका बीआईटी सिंदरी को ही कह सकते हैं। बीआईटी सिंदरी ही है जो झारखंड को बचा के रखा हुआ है एजुकेशन के मामले में, जो सही क्वालिटी और सही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बीआईटी सिंदरी जब बना था 1949 में कैंपस बना था, और इस कैंपस का पहले नाम हुआ करता था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कैंपस हो जानते थे, यानी बीआईटी सिंदरी। और लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन आपका जो है सिंदरी एंड धनबाद के डिस्ट्रिक्ट में है। लोकेशन आपका सिंदरी धनबाद से नजदीक में है कैंपस, बोकारो धनबाद के बीच में पड़ता है सिंदरी, वहीं पर है कैंपस आपका बीआईटी सिंदरी। जब से झारखंड बना आपका बिहार के बाद झारखंड में जब बना तो झारखंड में इसका नाम पड़ा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जब झारखंड अलग हुआ था तो उसका नाम पड़ा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कैंपस बना। और कॉलेज काफी पुराना हो चुका है, जब देश की आजादी हुई थी उसके 2 साल बाद ही कैंपस ये बना था, और कैंपस काफी तगड़ा है। और झारखंड में इसको काफी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे जो भी झारखंड के जो भी सीएम बन रहे, चाहे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बन रहे, इस कॉलेज को ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिन पर दिन इसका एनआरएफ रैंकिंग गिरता जा रहा है। तो हम उसी के बीच में इसका पूरा रिव्यू, इसका कटअप, पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। तो बहुत लोग सर्च आउट भी कर रहे थे, बहुत लोगों को सही से जानकारी मिल भी नहीं पा रहा था, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको मिल जाए। तो गाइस, बीआईटी सिंदरी सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक कॉलेज है। ये चीज आप सबको पता होगा कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब शुरुआत हुआ था तो यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जैसे ब्रांच स्टार्ट हुआ था, और आज के टाइम पे इस कैंपस में अभी आपका 10 बीटेक में ब्रांचेस है। ब्रांचेस कौन सा है उसकी बात करते हैं। पहला ब्रांच है आपका मैकेनिकल, बताया मैंने, इलेक्ट्रिकल बताया आपको, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं बीआईटी सिंदरी का जो ब्रांचेस है यहाँ पर। अब एडमिशन का सबसे बड़ा प्रोसेस कैसे है यहाँ पर, एडमिशन के लिए हम जानते हैं। तो एडमिशन यहाँ पर वही बच्चे ले सकते हैं जिन लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, यानी जेईई मेंस का जिनके पास रैंक कार्ड स्कोर कार्ड होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। और दूसरा चीज, झारखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है। जो झारखंड कैंडिडेट है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए ये कॉलेज है। झारखंड से जो झारखंड के पास डोमिसाइल होगा वही इस कॉलेज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन आपका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है, और जेईई मेंस का रैंक के जो एप्लीकेशन नंबर उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर काउंसलिंग होना है, क्योंकि बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन है आपका, जो अभी करेंट में जो एप्लीकेशन आपका इसका हुआ है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये आपका एआईसीटी अप्रूव्ड कैंपस है, और काफी तगड़ा कैंपस है भाई, नो डाउट, और सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक कॉलेज है। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनकी एनआरएफ रैंकिंग अप कर रही है। रीजन क्या है यार, तो क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर। तो कॉलेज को के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो भी सरकार है यहाँ का, जो भी झारखंड के सरकार, अभी जो भी सरकार, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको इस कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज काफी पुराना है, और यहाँ से एलुमनाई की बात करो तो काफी स्ट्रांग एलुमनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के अपने करियर को आगे ले चुके हैं। आप जब एलुमनाई चेक करोगे यहाँ से तो बहुत सारे आपको एलुमनाई मिल जाएंगे। और वही बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो यार देखो, हर चीज अभी देख के सर्च आउट करने के बाद मुझे समझ में आया, जो एवरेज प्लेसमेंट है कॉलेज का वो 6 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। बहुत गंदा है, ऐसे कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कम से 10-12 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है। मैं विनती करूंगा, अगर मेरी वीडियो अगर जिनके पास पहुंच रहा होगा, जो भी इस कॉलेज के ऊपर ध्यान देते हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा ग्रोथ कीजिए, क्योंकि यार झारखंड का दिल यही है, झारखंड का हार्ट ही है कॉलेज, और सबका ड्रीम कॉलेज होता है जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं। बेसिकली मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरा भी ड्रीम कॉलेज कभी हुआ करता था कॉलेज। तो खैर जो भी है, और मैं इस कॉलेज पर पूरा फोकस करने की जरूरत है बीआईटी सिंदरी कैंपस के ऊपर। अब थोड़ा सा क्या है कि इसके लिए कटअप की बात करते हैं। तो कटअप आपका जो जेईई मेंस में कटअप, जिन भाई बहनों का, याद रखना हर कैटेगरी वाइज कटअप बांटा गया, तो जिन भाई बहनों का अगर जेईई मेंस में 2.5 लाख तक, यानी कि 2,35,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में रैंक है, तो जो मैंने ब्रांच बताया है ना, उन ब्रांचेस में कोई ना कोई आपको लास्ट क्लास तक सीट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने कटअप तैयार किया है, तो आप
अगर इस रैंक के अंदर में आते हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप इस कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई करना और चॉइस लिंक जरूर फिल करना अगर झारखंड से हो तो। और कॉलेज ओवरऑल बहुत बढ़िया है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज से काफी 10 गुना बढ़िया है। बीआईटी सिंदरी में अगर कोई ब्रांच मिलता है तो रिक्वेस्ट है कि आप उस ब्रांच को जरूर वहां फॉलो करो, काफी आपको एक यहाँ पर अच्छी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा और एक एलुमनाई स्ट्रांग मिलेगा। यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए बात कर ले तो प्लेसमेंट में जो कंपनी यहाँ पर आपको आता है, टाटा है, रिलायंस है, जितनी बड़ी कंपनी है, जैसे यहाँ तक जो सेल कंपनी है ये भी कभी कैंपस ड्राइव के लिए आया करता था कैंपस में, तो जितनी बड़ी कंपनी है ना यार एमएनसी कंपनी, इस कॉलेज का रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लेना हिस्ट्री, इस कॉलेज में अच्छे से अच्छे कंपनी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आई हुई है और आता है, तो इस कॉलेज को जरूर सेलेक्ट करो। इसके रिगार्डिंग कुछ और आप लोगों को पूछना हो, कुछ भी अगर डाउट हो तो मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे से जरूर इन्फॉर्मेशन लो। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको इतना शेयर करो दबा के यार कि ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुंचकर इस कॉलेज पर लोग फोकस करना शुरू कर दे। जो भी हमारे सीएम है झारखंड के, जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है झारखंड के, प्लीज आपसे अनुरोध है कि इस कॉलेज के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो ये कॉलेज हमारा झारखंड का एक बहुत नामी कॉलेज तो है ही, और भी अच्छा नाम बन जाएगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा सर। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना भाई।